पिन देना पड़ेगा क्या? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें जाना है कुछ काम के लिए। हमारे बाइक का पीयूसी ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए हमें जाना है और हमें न्यू पीयूसी करवा के लेकर आना है। और 4-5 दिन पहले मैंने अपने लिए कुछ 2 टी शर्ट के ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, तो आज वो ऑर्डर भी हमारा आने वाला है। सुबह सुबह मैसेज आ गया है कि आपकी आज डिलीवरी होने वाली है प्रोडक्ट की। आज वो प्रोडक्ट आएगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या है। ठीक है, फ़ोटो में तो अच्छा दिख रहा है, जब हमारे हाथ में आएगा तब हमें पता चलेगा प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। तो हम वेट करते हैं कब हमें वो डिलीवरी करते हैं, फिर डिलीवरी लेने के बाद में हम उसे अनबॉक्स करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो कैसा है। तो अब हम चलते हैं हमारे ऑफिस पे, पहले वहाँ पर काम निपटा के फिर हम जाएंगे हमारी बाइक की पीयूसी करने के लिए, क्योंकि पीयूसी भी अभी ख़त्म हो चुकी है, वो भी ज़रूरी है। तो हमने जो ऑनलाइन से कुरियर मंगवाया था वो भी आ चुका है, और भाई ने यहाँ पर एक जगह पे हमें बुलाया है, बस वहाँ पर अभी हमारा कुरियर ही लेने आए हैं। कुरियर लेके चलते हैं, फिर आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ क्या चीज़ उसने मंगवाया है। पिन देना पड़ेगा क्या? हाँ, अभी हमने हमारा कुरियर ले लिया है, अब चलते हैं हमारे घर और अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ इसमें किस तरह के और क्या क्वालिटी के टी शर्ट हमें आए हुए हैं। तो आज जाना था मुझे पीयूसी करने के लिए, लेकिन काम में यहाँ पर ही उलझा रह गया मैं। ये जो आपको मशीन दिख रहा है पीछे, वो मशीन में हमने जो प्रोग्राम लगाया था कल से परेशान कर रहा था, जैसे ही लगाता हूँ शुरू करता हूँ फुल तोड़ दे रहा था। तो बस आज कल शाम को तो मैं उसको फिर बंद करके चला गया था, आज सवेरे फिर से आया मैं। मुझे लगा कि शुरू करके मैं चला जाऊँगा अपना बाइक का जो पीयूसी हमें निकालना है उसके लिए, लेकिन जैसे ही मशीन शुरू की टूल को धार लगाने के बाद में फिर से टूल टूट गया। तो ऐसा काफ़ी देर तक चला, मैं धार लगा रहा था उसमें टूल लगा रहा था लेकिन वो तोड़ ही दे रहा था। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि उसमें पैरामीटर में कोई मिस्टेक हो रही थी, तो वो सही करने के बाद में अब सही से चल रहा है मशीन। लेकिन अभी आज हम पीयूसी के लिए नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अभी तो हो गई है दोपहर, अभी हम चलते खाना खाने के लिए। फिर खाना खाने के देखते हैं, अगर आज हमें पॉसिबल हुआ तो हम जाएंगे पीयूसी के लिए, वरना हम कल सवेरे ही जाएंगे, क्योंकि क्या है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है पीयूसी के लिए। तो हम दूसरा भी हमें काम है, वो सारा काम हम एक साथ में निपटा कर वहाँ से हम आएंगे। तो अभी मैं जाता हूँ फ्रेंड्स खाना खाने के लिए। आज जो हमारा पार्सल आया हुआ है कुरियर, तो अब हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। जो मैंने टी शर्ट मंगाए हैं 2 ऑनलाइन, देखते हैं ये कैसी क्वालिटी है, ठीक है। तो मैं इसे अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसी क्वालिटी का टी शर्ट है। फ़ोटो में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, लेकिन अभी चेक करते हैं क्या सही में इज़ इट वर्थ टू बाय ऑनलाइन। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि ऑनलाइन में प्रोडक्ट ख़राब ही मिलते हैं, बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के भी मिलते हैं। जैसा आपका बजट रहेगा उस हिसाब से आपको जो भी चीज़ है आपको मिलेगी। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ टी शर्ट जो हमने ऑनलाइन मंगाए हैं, ये क्या क्वालिटी के है और क्या मुझे सही से प्रॉपर फिटिंग हो रही है नहीं हो रही है, वो भी मैं अभी चेक करके पहन के मैं बताता हूँ आपको। तो यही वो पैकेट है जो हमने मंगाया है, ठीक है। तो इसके पहले मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया और मैं जो कुछ कर रहा था मैं अनबॉक्सिंग अपने हिसाब से कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर कट भी लगा दिया हूँ, ठीक है। फिर बाद में मेरी नज़र गिरी तो देखा तो उस पर रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं हुई थी। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके अभी दिखा रहा हूँ आपको, अंदर से टी शर्ट निकाल रहा हूँ। अनबॉक्सिंग का ही वीडियो अभी 4थी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, फिर पहली बार रिकॉर्ड किया तो वीडियो ही नहीं मैंने रिकॉर्ड किया, और जब वीडियो शुरू किया तो उस वक्त मैं पावर चला गया, लाइट चली गई, 2 बार लाइट चली गई, और अब फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा जो कुरियर हमने मंगाया था वो है, इसके अंदर 2 टी शर्ट्स हमने मंगाए हुए हैं। तो देखिए, पहला तो ये एक है, ये रहा एक, ये है। तो हमने दो एक्चुअली कॉम्बो ऑफर था, ये कॉम्बो पैक था, तो हमने मंगाए हैं 2 टी शर्ट ऑनलाइन, ठीक है। तो अभी मैं इसको पहन के देखता हूँ सही से फिटिंग प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, टाइट है लूज है। एक्सेल साइज मंगाई थी हमने, क्योंकि और डबल एक्सेल भी था। एक्सेल का 42 चेस्ट का दिखाया हुआ था, इसलिए मैंने फिर 42 साइज का मंगवाया हूँ। राउंड नेक है, फुल स्लीव है,
अभी मैं आपको पहन के दिखाता हूँ ये प्रॉपर सही से साइज में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा फिटिंग में। पहनने के बाद में इस तरह से प्रॉपर फिटिंग है, परफेक्ट है। फैब्रिक थोड़ा पतला है लेकिन ओके है, ठीक है। जिस तरह से उसका रेट है उस तरह से सही है और फिटिंग वगैरह सही है, बिल्कुल भी प्रॉपर है, कोई भी इशू नहीं है इसमें फिटिंग में, मैं बिल्कुल एकदम सही है। ये वाला टी शर्ट मैं कल पहन के जाओ, मैंने कहा था कल हम पीओसी करने जाना था, जो हम नहीं गए तो हम कल पीओसी करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे वर्कशॉप पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, अभी हम चल रहे हैं हमारे पीओसी के लिए बाइक की। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें पीओसी करने जाना है, लेकिन मैं कल नहीं जा पाया था क्योंकि मैं वर्कशॉप पे ही रुक गया था, जो काम में प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार टूल टूट रहा था, वहीं पर मेरा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो गया। तो इसलिए अब हम आज जा रहे हैं पीओसी के लिए, हम बाइक की पीओसी वहां से करवा के लेकर आएंगे, और वाजिद के लिए भी कुछ लेकर आना है तो हम वो भी लेकर आएंगे। सुनो क्या बोल रहा है वो। तो अभी हम चलते हैं वहां पर, हमारे पीओसी करवाते हैं बाइक का, फिर देखते हैं वाजिद के लिए जो लेना है हमें वो वहां पर मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि शॉप्स तो सारी 2 बजे तक खुली रहने वाली है, सॉरी हमारे यहाँ पर 12 बजे तक खुली रहने वाली है। तो हम चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर शॉप्स कितनी ओपन है और कितनी बंद है। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि मुझे जाना है बोईसर, वो पीओसी करके लेकर आना है अपनी बाइक की, तो फाइनली आज मैं बोईसर गया था और जो कुछ भी सारे मेरे दूसरे काम थे वो भी निपटा कर मैं आ चुका हूँ, और पीओसी भी साथ में मैंने बाइक की कर ली है, क्योंकि हमें जाना है कहीं पास में ही जगह है तो, लेकिन इसलिए सारे बाइक के डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। सब कुछ डॉक्यूमेंट अपने क्लियर हैं, सिर्फ अपने पास पीओसी ख़त्म हो गई थी, इसलिए पीओसी को भी हमने आज ले ली है, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम जहाँ पर भी जाएंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ठीक है, फिर आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी यू सून, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।